एसपी साहब, आदरणीय महेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय बड़े भाइयों, सामने उपस्थित सभी व्यापारी वर्ग, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, प्यारी बहनों, सभी को सादर प्रणाम। देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, हमारी एक मीटिंग चल रही थी इस कारणवश। और देखिए, मोदी नगर में पहले भी ऐसी मीटिंग होती रही और मनु जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह की शासन प्रशासन पुलिस के साथ इंटरेक्शन वाली मीटिंग हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एसएसपी साहब ने यहाँ बैठ के आप सभी व्यापारियों की समस्याएं सुनी। मैं भी विधायक होने के नाते एसएसपी साहब को कहना चाहूंगी कि हमारा व्यापारी वर्ग हालांकि अब काफी सुकून है, लेकिन फिर भी व्यापारी वर्ग हमेशा क्रिमिनल्स के टारगेट पे रहता है, सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं। तो व्यापारी, हर तरह का व्यापारी है हमारे मोदी नगर में। अधिकतर हमारे यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं जो डेली कलेक्शन जमा करवाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो उनका टाइम घूमने का होता है, अधिकतर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में वो बैंकों में जाते हैं, तो जहां पर कोई घटना हो जाती है तो वहां अगर पुलिस ज्यादा वहां पर पेट्रोलिंग करे तो मुझे लगता है थोड़े जो ये लूटपाट करने वाले हैं उनके हौसले जो हैं इतने बुलंद नहीं रहेंगे। हालांकि पिछले काफी समय में ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाएं ज्यादा नहीं हुई, लेकिन कभी रूरल एरिया में गैस एजेंसी वाले या वहां के व्यापारी आते हैं उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पुलिसिंग ज्यादा। दूसरा, अपने सभी लोगों के बिहाफ पे मैं एसएसपी साहब को कहना चाहूंगी कि जो हमारे एसपी देहात हैं उनको ट्रूली एसपी देहात माना जाए और वो अपना ट्रूली एसपी देहात की तरह से आते रहे। काफी आते हैं अपने एसपी देहात जो है, मैंने निवाड़ी थाने में भी बैठे हुए देखे हैं, गांव में भी उनको मीटिंग करते हुए देखा है, तो इस तरह से वो चलती रहे। और एसपी साहब अगर हमारे तीनों थानों में बीच बीच में आके जनता की समस्याएं भी इसी तरह से सुनते रहे, महीने में एक बार इधर आ गए कभी उधर चले गए, तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, जो गांव से ही मैं शुरू करूं क्योंकि मेरे तो लगभग 70-80% लोग गांव में ही रहते हैं और जो शहर में रहते हैं वो भी गांव से संबंधित हैं, तो गांव में जो 100 नंबर की आपकी पेट्रोलिंग है वो ज्यादा होती रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार खंजरपुर में कई सारे चोरी के केस हुए और वन बाय वन 3-4 एपिसोड एक साथ हो गए, तो अगर वहां पुलिसिंग ज्यादा अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की चोरियां नहीं होंगी। और इसी तरह से जो शहर में अभी विजयनगर में हमारे रिपीटेडली एक कोई गैंग काम कर रहा है, जो कि आपको उसमें बहुत मजबूती से उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह के गैंग है ये, क्योंकि रिपीटेडली वहां पे कई सारी चोरी हो गई है विजयनगर में, और कल ही अभी हमारे एक पुजारी हैं उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। तो विजयनगर में वर्कर क्लास हमारे अधिक रहते हैं, तो देखना होगा कि वहां के लोकल कुछ लोग हैं या बाहर से आके इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे तीनों इंस्पेक्टर काफी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये मैं आपसे, हमारा बड़ी अच्छी बात है कि तीनों तरफ सही हैं और बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे इम्प्रूव करनी है। जैसे कि हमारे यहाँ एक चौकी की डिमांड हमने करी थी तिबड़ा रोड पे। तिबड़ा रोड पे हमारे अधिकतर व्यापारी वर्ग रहते हैं और तिबड़ा रोड से अगर देखिए तो उधर गांव भी बहुत सारे ड्रेन करते हैं, खंजरपुर, तिबड़ा, ये पूरा एरिया। तो जब भी अगर चौकी बढ़ाने की बात हो, मैंने पुराने एसएसपी जो महोदय उनको भी कहा था कि एक चौकी हमारी तिबड़ा रोड पे होनी चाहिए एक्स्ट्रा, तो हमारे तिबड़ा रोड के व्यापारी और तिबड़ा, खंजरपुर इस तरफ के जो गांव हैं वो उसमें ड्रेन करेंगे। और अभी इसी तरह से जो खास तौर से मैं महिला होने के नाते लड़कियों के लिए बड़ी चिंतित रहती हूँ, और अगर किसी लड़की की पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुक जाए कि उसे किसी लड़के ने छेड़ दिया, तो मेरे और एसएसपी साहब के लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि किसी भी लड़की की पढ़ाई इस कारण से नहीं रुकनी चाहिए। मैंने बहुत बार निवेदन भी करा है कि स्कूल जाने और आने के टाइम में पुलिस पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां स्कूल आती हैं उस समय में इतनी घटनाएं नहीं होती, लेकिन जब स्कूल से वापस जाती हैं उस समय में घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होने के चांसेस रहते हैं, टीजिंग होती है, तो उस पर पुलिस को सख्त नजर रखनी होगी। और जैसे कि आपका एंटी मजनू स्क्वाड एक काम कर रहा था, वो एक डिसिप्लिन वे में काम करें, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं उन्हें भी पूछे तुम कौन भाई, भाई बहन जा रहे हैं उन्हें भी पूछे, डिसिप्लिन वे में अगर वो काम करेंगे, लड़कियों के जो बच्चों के ट्यूशन के सेंटर्स हैं उनके आसपास, जो स्कूल में लड़कियों की छुट्टी होती है वहां, मेरे यहाँ पीबीएस स्कूल है आदर्श नगर में, उधर गोविंदपुरी में एक लड़कियों का स्कूल है जिनको ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, और रेलवे रोड पे एक स्कूल है कलछिने में जो हमारा इंटर कॉलेज है, वहां से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि कलछिने में लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और पिछले दिनों अभी एक एविटीजिंग का काफी बड़ा मामला हो गया था जो कि हमने सब लोगों ने मिलकर सुलझाया। तो ऐसी चीजें, घटनाएं ना हो, उसके लिए बकायदा उनको छुट्टी के टाइम में जरूर जाना होगा। और अगर आप
एक बार कोई पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी चली जाती है या पुलिस का कोई व्यक्ति वहां दिख जाता है तो 15 दिन तक कोई लड़के या छेड़छाड़ करने वाले उस रास्ते पे नहीं जाते हैं। तो आपको सिर्फ 10-15 दिन में कराना है। और सिविल ड्रेस में अगर एक वहां पे हम देख लें कि किस किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, किस किस तरह के लड़के घूम रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट घूम रहे हैं, तो उससे आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। तो मेरा ये भी निवेदन है कि सिविल ड्रेस में भी वहां पे पेट्रोलिंग हो कि देखें किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और वो प्रिंसिपल्स हमेशा ये प्रॉब्लम मुझे बताते रहते हैं, तो आज आप मिल भी गए हैं, तो इसके आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि सभी इंस्पेक्टर इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझें। अभी भाई साहब ने ये कहा था कि एक जाम की समस्या है, जाम की हमारी 10 साल से समस्या है। पुलिस ने उसमें ये करना है कि प्रॉपर हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं मोदी नगर में बहुत कम हैं। मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है और मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मैं मोदी नगर जैसे एक छोटे टाउन की एमएलए हूं। चाहे एमएलए हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, छोटे शहर के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गाजियाबाद में भी जाके मुझे अपनी बात को बड़ी मजबूती से बताना पड़ता है, मेरी जरूरत है, मांगना पड़ता है लिटरली मुझे। अधिकतर जो पॉलिसीज बनती हैं वो ये बनती है कि बड़े शहर के लोगों की जिंदगी में कैसे सुविधा हो, कैसे आरामदायक हो, तो उनकी नजर छोटे शहर में पड़ती है कि गाजियाबाद में जाम ना लगे तो हम मोदी नगर में क्या करें। तो मेरा निवेदन है एसएसपी साहब कि हमें भी प्रायोरिटी पे रखा जाए कि हमारे शहर में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए प्रायोरिटी वाइज हमें ये रखा जाए कि मोदी नगर के लोग हैं। जाम के बारे में अभी मोदी नगर में आपने महसूस करा होगा जाम कम हो गया। हम लोगों ने शासन प्रशासन ट्रैफिक पुलिस के साथ बहुत मीटिंग करी, जो ये सड़क वाइड हो रही है, जो यू टर्न्स बन रहे हैं, ये सब उन्हीं मीटिंग्स का परिणाम है कि यू टर्न्स भी बनने शुरू हो रहे हैं। हालांकि फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम है तो उस काम धीरे धीरे चल रहा है, खंबे किनारे जा रहे हैं। मोदी नगर में आपके 2 यू टर्न आ रहे हैं, वो इन्हीं सभी का चर्चा का एक एंड रिजल्ट है कि जो यू टर्न्स बन रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बार आपने देखे होंगे, कुछ जगह लगे हैं, कुछ जगह और भी लगने हैं कि हैवी व्हीकल शहर के अंदर टर्न ना करें, क्योंकि हमारा मोदी नगर शहर 10 किलोमीटर पे सीधी एक लाइन पे बसा हुआ है। तो वहीं से बद्रीनाथ जिसको जाना है वो भी हमारे मोदी नगर के सामने से जाएगा, मुजफ्फर जी से जाना वो मुजफ्फरनगर वाला भी यहाँ से जाएगा, तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है। तो जो हैवी ट्रैफिक है वो बाहर से ही यू टर्न पे घूमे और इधर से घूमे, उसके लिए कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स और लगने हैं, तो उससे मुझे लगता है कि सुविधा हो जाएगी। एक मेरा और हमेशा से एमएलए बनने के बाद ये रहा कि जो हमारे टेम्पो है, ये एक टेम्पो ओवरटेक दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को करता है, ओवरटेक का ओवरटेक करते रहते हैं, वो भी एक कारण है। मेरा हमेशा निवेदन ये रहा है कि एक मीटिंग करी जाए आरटीओ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट और जो भी एसडीएम हो, कि टेम्पो को एक रूट डिसाइड करा जाए कि जो टेम्पो राज चौकले की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से भोजपुर जा रहा है तो वो भोजपुर की तरफ जाए, जो इधर जा रहा है निवाड़ी रोड वो इधर ही जाए। उनके नेम प्लेट्स होने चाहिए या उनके कलर कोड डिफरेंस होने चाहिए, और जो गाजियाबाद का टेम्पो आ रहा है कतई हमारे मोदी नगर में नहीं एंटर करना चाहिए, और जो मेरठ वाला आ रहा है वो मोदी नगर को क्रॉस करके मुरादनगर नहीं जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मेरठ से जो आ रहा है बाहर से ही वापस चला जाए और बिल्कुल उसी जगह से हमारा मोदी नगर वाला उस सवारी को ले ले, और उनके रेट भी ऐसे होने चाहिए कि हमारे कस्टमर जो उसमें बैठने वाले हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मोदी नगर में जो ट्रैवलिंग हमारे जो घूमने वाले टेम्पो हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों ऐसे ही अभियान चला था लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसमें बस ये हुआ कि जो ठीक टेम्पो नहीं था उनको बंद करके वहां सब्जी मंडी के पास डाल दिया गया और उसका एक इफेक्टिव कोई वो नहीं आया। तो उसमें एसएसपी साहब आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उससे ट्रैफिक हमारा काफी कंट्रोल हो जाएगा। और एक और मेरी हमेशा प्रॉब्लम भी रही है, सुझाव भी रहा है कि जो हमारे मोदी नगर में एक पार्किंग स्पेस नहीं है। मैंने डीजीपी महोदय को भी, मुख्यमंत्री जी को भी कहा था और पुराने एसएसपी साहब को भी कहा था कि हमारा जो थाना है, यदि पुरानी बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो गई है, गड्ढे में चला गया है उसका सारा पानी वानी बहुत ज्यादा रहता है, पिछले दिनों तो करंट आ गया था थाने में। तो मेरा निवेदन भी है, आप भी डीजीपी को स्ट्रिक्टली कहिए कि उसको डिमोलिश करके अगर नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाए, उसके ऊपर पुलिस का ऑफिस चला जाए और उसके ऊपर जो है हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हमारे सीओ साहब भी, उनका रेजिडेंस नहीं है तो इस तरह के रेजिडेंस बन जाए तो वो पुलिस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और नीचे हमारे पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि पूरे शहर में और वो जो एक मेन मार्केट है हमारा, पार्किंग स्पेस कहीं भी निकलने की गुंजाइश नहीं है।
लोग स्वाभाविक है गाड़ी खड़ी करेंगे तो गाड़ी रोड के किनारे में करेंगे, कुछ उसके आगे कर देते हैं तो भीड़ स्वाभाविक बहुत लग जाती है। तो अगर इसमें ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि निश्चित ही आने वाले टाइम में इन चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। और अभी वैसे मेरठ डासना रोड बनते ही काफी हमें जाम से छुटकारा मिलने वाला है, जैसे ही चालू हो जाएगा वो जुलाई अगस्त के बाद, और रैपिड रेल से भी काफी हमारा कंजेशन कम होगा मुझे लगता है। लेकिन 1.5 साल तो हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और SSP साहब से मुझे ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसी जो मीटिंग है आप साल में 3-4 करते रहें तो हमारे शहर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इंटरेक्ट करा आपने जनता से। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय।